नमस्कार, नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष कुमार। रुपेश हत्याकांड को बीते 150 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, पर वो कब का बीत चुका है। फिलहाल कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं इस कड़ी में नेताओं का रुपेश के पैतृक गाँव पे जाना लगातार चल रहा है। इसी कड़ी में LJP सुप्रीमो चिराग पासवान आज सिवान में उनके पैतृक घर पे पहुंचे, जहां उन्होंने उनके परिवारों से बात की और उनकी बेटी से खास मुलाकात की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने। हमारे प्रदेश में अगर इस तरीके की घटना घट सकती है तो मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि शायद ही फिर कोई बिहारी प्रदेश में सुरक्षित होगा। एक ऐसी जगह पर यह घटना घटी जो बिहार का केंद्र है, जहां पे तमाम रसूखदार लोग रहते हैं, भले वो प्रशासन के लोग हों, शासन के लोग हों, वहां पर ऐसी घटना घटती है। लेकिन मैं निरंतरता में इसी बात की चिंता में जताता आया हूं। लोग कहते हैं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, पर मेरे लिए आज अगर मैं रुपेश जी की बात कर रहा हूं तो मैं अपने भाई के लिए मैं बात कर रहा हूं, मैं अपने साथी अपने दोस्त के लिए मैं बात कर रहा हूं। मैं अगर बोलूंगा तो कहा जाएगा कि भैया राजनीतिकरण किया जा रहा है, सरकार पे पुनः सवाल उठा रहे हैं। इसलिए सवाल उठा रहे हैं क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री के खिलाफ ये बोलते आए हैं। पर आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए ना कि अगर 8-8 दिन तक अगर आपको पता नहीं चलता है कि किसने हत्या की, कोई सुराग तक नहीं मिलता है, CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, इस पर कार्रवाई क्या की गई अभी तक बताए ना। तो जिस तरीके से चिराग पासवान सूबे के मुखिया पे लगातार हमलावर थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से पटना में बीते कुछ दिनों में हत्याकांड बढ़ गए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आश्वासन के बाद भी पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है। जो हमलावर थे वो अभी भी आराम से बाहर घूम रहे हैं और लोग परेशान हो चुके हैं। तो इस कहीं ना कहीं यह भी माना जा रहा है कि CM नीतीश कुमार बिहार के लिए अच्छे मुख्यमंत्री साबित नहीं हो पा रहे। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन न्यूज़। धन्यवाद।